क्या आप बता सकते हैं ये जो है ये किस टाइप्स के लीव्स हैं? तो ये जो लीव्स वो कहते हैं, तो इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, नहीं इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। इसे सिंपल कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक क्या है, सिंपल। आइए नंबर टू देखते हैं। नंबर टू में होता है अपोजिट। Develop at each node. कितने होंगे? And they are placed. And they are placed opposite. Opposite to each other. Where will you find that? Example. अमरूद का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ही नोड पे दो पत्ते निकलेंगे। एक ही नोड पे दो पत्ते और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और उसकी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अपोजिट अरेंजमेंट। नाउ नंबर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द हर्ल। हर्ल में क्या होगा? तो पहला में अल्टरनेट में एक में दो, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे निकलेंगे। एक मिनट से क्या होंगे, बहुत सारे निकलेंगे। हर्ल के बारे में पढ़ते हैं। हर्ल में क्या होता है, a set of three or more leaves. A set of three or more leaves develop at each node. Arrangement. And this is called a hurt. Example हम देखेंगे किसको? कनेर। कनेर का जो फूल देखते हैं उसके जो पत्ते होते हैं, उसके ब्रांच, उसके नोड पर जो पत्ते देखते हैं, एक से ज्यादा पत्ते निकलते हैं। मतलब जब ऑल्टरनेट की बात करेंगे तो नोड पे कितना पत्ता निकलेगा, सिर्फ एक। अगर अपोजिट की बात करते हैं तो एक नोड पे दोनों साइड में कितने पत्ते निकलेंगे, दो। और अगर हर्ट की बात करते हैं तो एक ही नोड पे तीन या तीन से ज्यादा पत्ते निकलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, एक ही नोड पे कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4 फोर पत्ते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं एक ही नोड पे कितने पत्ते, 1 2 3 और 4। ये चार पत्ते एक ही नोड पे निकलते हैं, या तीन से अधिक पत्ते, तो उसको क्या कहते हैं, हर्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हर्ल फंक्शन ऑफ द लीव्स। फंक्शन उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहला फंक्शन हम लोग जानते हैं, नंबर वन, ये होता है द मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ, ऑफ द लीफ इज टू मैन्युफैक्चर, इज टू
manufacture food. Food for the plant. Food for the plant through the process. Process. का फंक्शन है कि वो पेड़ के लिए क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है, पेड़ के लिए खाना बनाने का काम करता है। और वो जिस प्रोसेस जिस प्रक्रिया से वो खाना बनाता है उस प्रक्रिया को नाम दिया गया क्या, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये खाना कहां कैसे बनाता है, तो ये खाना जो बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and water ये खाना कैसे बनाता है, in the presence of sunlight or water। Number third point we have, these plants take in carbon dioxide, carbon dioxide and produce glucose with the release of carbon. The release of oxygen in air in the क्या करता है, प्लांट जो है एयर से हमारा क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है और वो प्रोड्यूस क्या करता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में वो रिलीज करता है ऑक्सीजन, जो हम मानव और जीव जंतु के लिए क्या होता है, फायदेमंद है। नेक्स्ट नंबर फोर पॉइंट, इज इफ देयर इज नो सनलाइट, if there is no sunlight, the plants take in oxygen.